तो अगर आप कोर्स है हमें इंट्रोडक्शन टू कैड केम एंड प्रैक्टिकल सीएनसी मशीन ए वाला कोर्स का वीक नंबर 4 पे जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए आए हो तो एकदम सही जगह पर आए हो। और अगर आपको कोर्स है से कोई भी लेना देना नहीं, आप सिर्फ इस ड्राइंग को फिशियल 360 में कैसे करना है वो सीखने के लिए आए तो भी एकदम सही जगह पर आए हो। ओके, तो हाई, मैं हूँ आकाशदीप मोहापात्रो और मैं ज्यादातर ऑटो कैड और फ्री कैड में ज्यादा काम करता हूँ। ओके, और सॉलिड एक्स में भी मैं सीख रहा हूँ, तो फिशियल 360 में उतना ज्यादा टाइम नहीं बिताता, तो हो सकता है कि मैं ये करने में थोड़ा टाइम लगे। ओके, पर मैं एकदम सही तरह से बताऊंगा। तो चलो पहले हम एक न्यू स्केच ले लेते हैं, न्यू। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केच वाला, क्रिएट स्केच वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आप ये जो माउस का जो मिडिल पॉइंट है उसको क्लिक करके ऐसे इसको हिला सकते हो, या तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के मिडिल माउस बटन को अगर दबाओगे तो ऐसे 360 रोटेट होगा। ओके, अब यहाँ पर जो क्यूब है उसकी मदद से भी आप देख सकते हो, तो देख लो मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में हूँ। ओके, देखो नीचे वाला जो है एक्स वाई प्लेन है, ये कैसे पता चला, देखो क्यूब में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन, तो इसको मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो वो हमारा पूरा स्केच बन के रेडी होकर आ जाएगा। ओके, उसके तो ये हमारा पूरा इंटरफेस आ गया। ओके, तो यही हमें पहले आना होगा, उसके बाद देखो मैं क्या क्या करता हूँ। उसके बाद मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, नॉर्मल से स्क्वायर में नहीं लूंगा, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी डायमेंशन देने में, तो मैं यहाँ पर जाके इस रेक्टेंगल से ये आखिरी वाला लूंगा, सेंटर पॉइंट वाला। इससे क्या मदद होगी कि मुझे सेंटर पॉइंट में पहले ही मैं फिक्स्ड कर दूंगा, ये देखो। ओके, तो ये अगर मैं नॉर्मल सा लेता तो मुझे बाद में सेंटर पॉइंट क्लिक करना पड़ता। ओके, तो माउस को फ्री करने के लिए राइट क्लिक करके कैंसिल दबा दो, माउस फ्री हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर डायमेंशन वाला बटन है, इसको दबा के थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाओ, यहाँ पर तुम्हें डायमेंशन देने के लिए बोलेगा। ये देखो यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ही मांगेगा कि कितना डायमेंशन देना चाहते हो, तो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, ये देखो बहुत छोटा हो गया। ओके, नीचे पीडीएफ है, वहां पर डायग्राम देख देख कर डायमेंशन देना, और यहाँ पर क्लिक करके खींच कर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी डायमेंशन के लिए पूछेगा। ओके, तो यहाँ पर कितने डायमेंशन है मैं देख कर लगा लेता हूँ। ओके, 2.75 डायमेंशन था। ओके, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक मैं आर्क फिलेट लूंगा। ओके, फिलेट लेने के बाद इस लाइन और इस लाइन को जस्ट क्लिक करूंगा, ये फिलेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे रेडियस मांग रहा है, तो वो एकदम एक सेकंड, यहाँ पर तो रेडियस की जरूरत नहीं थी, सॉरी, मैं कंट्रोल प्लस जेड दबा के अंडू कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। उसके बाद एकदम इधर कंप्लीट स्केच लिखा है, कंप्लीट स्केच करने के बाद यहाँ पर एक्सक्लूड वाला बटन दबा देना। उसके बाद देखो ये ऊपर का जो एरो है इसको अगर तुम खींच कर ऊपर ले आओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, पैड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हाथों से करने से कोई मेजरमेंट नहीं होता, तो तुम यहाँ पर मेजरमेंट थिकनेस दे दो, तुम्हारा मैनुअल पर जितना भी लिखा हुआ है। ओके, तो देने के बाद ये देखो हमारा नीचे का जो बेस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, फिर से हम स्केच पर क्लिक करके इस प्लेन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्केच वाला होकर रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वो सेंटर वाला रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल पहले सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल को खींचेंगे। ओके, आप उसके बाद जितना भी आपको चाहिए खींच कर क्लिक कर दो, उसके बाद राइट क्लिक करके कैंसिल मार दो। ओके, देखो अगर तुम डायमेंशन दे दोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, अगर जब तक डायमेंशन नहीं दोगे तो पूरा नीला होकर रहेगा। ओके, जैसे आप देख लो यहाँ पर मैं फिर से एक वो अंदर वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ओके, आप भी चाहो तो एकदम ले लो एक ही झटके में, या बाद में भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो ले लिया, उसके बाद राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। ओके, अब ऑटो कैड में जो एस्केप दबा दे हो ना वही यहाँ पर राइट क्लिक करके कैंसिल, आप एस्केप भी दबा सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर डायमेंशन दे रहा हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके डायमेंशन वाला बटन को दबाता हूँ। ओके, अच्छा ये देखो डायमेंशन देने के लिए पूछ रहा है, ओ सॉरी, हाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो डायमेंशन देने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायमेंशन कितना था वो मैं दे दे रहा हूँ, तो डायमेंशन मैंने दे दिया, और ये ऊपर वाले को भी मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। ओके, तो ऊपर वाले को मैंने 6 डायमेंशन दे दिया। ओके, और इधर ये डायमेंशन शायद थोड़ा गलत हो गया है, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने से आप इस डायमेंशन को करेक्शन भी कर सकते हो। ओके, 2.25 आप ठीक ठाक डायमेंशन है। ओके, तो ये देखो मैंने बाहर का जब भी डायमेंशन दे दिया तो पूरा ब्लैक हो गया। ओके, पर अंदर का क्यूब क्यों ब्लैक हो गया ये मुझे पता नहीं चल रहा। ये देखो ये यहाँ पर जो इक्वल कॉन्स्टेंट है ये ऑटोमेटिक लग गया था। ओके, इसलिए वो सीधा कर लिया खुद को, तो हम इसको इस इक्वल कॉन्स्टेंट को डिलीट कर रहे हैं। ओके, डिलीट करने के बाद ये देखो पूरा नील हो गया, क्योंकि यहाँ पर अंदर के रेक्टेंगल पर कोई भी डायमेंशन दिया हुआ नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम इसको बाहर की जो जो रेक्टेंगल है उसको हम फिलेट करेंगे।
ओके, और उसका रेडियस भी दे देंगे, रेडियस जितना भी था एकदम मैनुअल पर देखो, एकदम बाहर का रेडियस जितना है वही तुम यहाँ पर दे दो। ओके, बाहर का रेडियस 1 है। ओके, तो यही करके हम पूरा रेडियस दे देते हैं, तो ये हमारा बाहर का रेडियस पूरा कंप्लीट हो गया, बाहर का पूरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब उस राइट क्लिक करके कैंसिल करके अब अंदर के रेक्टेंगल पे काम होगा। ओके, देखो फिर से कॉन्स्टेंट आ गया है, ये कांस्टेंट, ये शायद पैरेलल कांस्टेंट है मुझे यही लगता है, पर छोड़ो जो भी हो, रिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं, इसको क्लिक करके डिलीट कर दो, पूरा नील है वही ठीक है। उसके बाद इसको देखो, अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे भी डायमेंशन देने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, कैलकुलेटर ओपन करने से तो बाहर के रेडियस 1 था और अंदर का रेडियस कितना था, -0.75, तो कितना होता है 0.25। ओके, और इसको मैं दोनों तरफ जो छोड़ना पड़ेगा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × 0.25 कितना होता है 0.5, तो इसको मैं कॉपी करूंगा। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो मैं कौन सा रेडियस देता हूँ, जितना भी उसका थिकनेस बोल रहा है 2.25 − 0.5। ओके, मैं ही दे रहा हूँ, ये देखो थोड़ा हिल गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो इक्वल वाला कॉन्स्टेंट रहने दो कोई। ओके, तो मैं इस वाला प्लेन को क्लिक करूंगा और ये जो सीधा वाला लाइन है इसको भी क्लिक करूंगा। ये देखो यहाँ पर पैरेलल का कांस्टेंट है, इसको दबाने से वो सीधा हो जाएगा। ओके, ये क्यों हिल जा रहा है, मतलब वो कहीं पर जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए वो हिल रहा है, कोई बात नहीं हम पैरेलल कर देंगे। उसके बाद इसका डायमेंशन भी दे दो, डायमेंशन जितना था 2.25 − 0.5, ये देखो डायमेंशन दे दिया। ओके, पैरेलल भी हो गया, डायमेंशन भी दे दिया, अगर ऐसे हिल जाए तो पैरेलल कर देना। और ऊपर वाले का भी सेम ही है, कितना था पूरा 6 था, उस −0.5। ओके, ये देखो नीचे का फिर से हिल गया, कोई बात नहीं हम इसको राइट क्लिक करके कैंसिल करके उसके बाद पैरेलल टूल को लेकर इन दोनों को पैरेलल कर देंगे। इन दोनों को पैरेलल करने से ये वाला हिल गया, तो इसको भी पैरेलल कर दो, जितना भी हिलेगा ये देखो पैरेलल हो गया। अरे बाबा, जितना भी हो हिला हिले डुले वो जितना भी हो पैरेलल तो होना ही है ना। ओके, तो उसके बाद हम ये फिलेट वाला ऑप्शन लेंगे और ये अंदर का जो फिलेट है उसको भी क्रिएट करते रहेंगे। यहाँ पर कितना है 0.75। ओके, तो ऐसा करते करते ये देखो यहाँ पर अगर तुम ये मैंने ऑटो कैड से सीखा है। ओके, जब तुम राइट क्लिक करोगे तो तुमने जो भी टूल यूज किया है वही टूल वहां पर होगा। ये देखो यहाँ पर रिपीट फिलेट लिखा है। ओके, तो मैं फ्रीकेट से फ्रीजन 360 में जस्ट ऑटो कैड करते करते इतना प्रैक्टिस हो गया था, जब मैं राइट क्लिक किया देखा भी यहाँ पर भी वही ऑप्शन है। ओके, तो जो भी हो आप देखो, मैं फिर से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, वो नॉर्मल वाला। ओके, सेंटर पॉइंट वाला नहीं, एक नॉर्मल वाला ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये डायमेंशन दे रहा हूँ, डायमेंशन यहाँ पर 1 बोल रहा है, अगर पूरा 1 है तो सेंटर पॉइंट से उसका कितना है 1/2, मतलब 0.5। ओके, और इस अंदर की पार्ट को तुम क्लिक करके डिलीट मारो कीबोर्ड में, तो ये डिलीट हो गया। ओके, अब मैं फिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर फिलेट, और मैं रेडियस दे रहा हूँ 0.25। ओके, और फिर से फिलेट किया, यहाँ पर भी रेडियस दे रहा हूँ 0.25, और यहाँ पर भी मैं रिपीट फिलेट का यूज करके यहाँ पर भी 0.25 दे दिया। देखो ये लाइन टूट गया, कोई बात नहीं हम लाइन टूल को लेकर यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद कैंसिल करके फिलेट ऑप्शन को लेकर 0.25 हमने दे दिया। ओके, और हमने इस जो जो आर्क है ना वो फिलेट का, उसका ही सेंटर पॉइंट की मदद से हमने एक गोल भी कर दिया, नीचे वाले 2 गोल। ओके, उसके बाद इसके डायमेंशन दे रहे हैं, डायमेंशन मतलब डायमीटर। ओके, 1/4 ऐसा कुछ शायद मैनुअल पर लिखा है। ओके, मुझे यहाँ पर डाउट है। ओके, आप एक बार देख कर ले, मैं तो प्रोसेस तो एकदम ठीक ठाक बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मेजरमेंट को देख कर बैठा देना। ओके, ये देखो ये हिल रहा है इसलिए ये ब्लैक अभी तक नहीं हुआ है, तो इस पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट को ऐसे कोइंसाइड कर दो, सेंटर पॉइंट और इस लाइन को। अब देखो एकदम पूरा ब्लैक हो गया है क्योंकि एकदम डायमेंशन फिक्स्ड है, अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। ओके ओके, तो ऊपर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है देख लेता हूँ, 0.5, तो इन दोनों गोल का पॉइंट का दूरी भी 0.5 ही होगा, तो मैं यहाँ पर 0.5 दे रहा हूँ और इसको कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ से इसका दूरी देख लेता हूँ, तो यहाँ से इसका दूरी भी दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैनुअल पर पूरा दिया हुआ है, आप एकदम देख देख कर फ्री माइंड से करना, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पारोगे ही, मतलब नहीं पारोगे, कोई बात नहीं एकदम यहाँ पर 0.375 जो भी दिया है डायमेंशन दे देना, पूरा ब्लैक हो जाएगा। ओके, ब्लैक होने के बाद फिनिश स्केच करना, दाहिनी तरफ है। ओके, फिनिश स्केच करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दबा देना। आप देखो जो पोर्शन तुम उठाना चाहते हो, पैड करना चाहते हो, उसको क्लिक करना, तब ये उठेगा।
अब देखो यहाँ पर मैं क्या डायमेंशन देता हूँ, 0.75 ओके माइनस 0.25, वो नीचे का जो प्लेन है उसका तो माइनस करना पड़ेगा ना। ओके तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब फिर से उस प्लेन को क्लिक करके स्केच पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद ये देखो, जब ही तुम नीचे वाले का जो लाइन है उसका तुम एज पॉइंट तक जाओगे तो एक बॉक्स दिखेगा। तो ये जब ये बॉक्स दिखे तभी क्लिक करके लाइन ड्रॉ करना। अगर बॉक्स नहीं दिखेगा तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखो सफेद हो गया है। ये देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट सफेद हो गया है, मतलब मैं वो बॉक्स पर नहीं छू रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब देखो मैं अगर आर्क करूंगा तो ये नीला ही रह जाएगा, पर नीचे आर्क करने से काला हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी काला हो गया, यहाँ पर भी काला हो गया, यहाँ पर नीला, यहाँ पर काला, यहाँ पर काला और यहाँ पर भी काला। ओके तो इसको कैंसिल करके इसको डिलीट करो, इस आर्क को और इस आर्क को भी डिलीट करो। डिलीट करने से उसके बाद इस लाइन को भी डिलीट करो। ओके और यहाँ पर क्या था, इस लाइन को भी डिलीट करो। डिलीट करने के बाद फिर से लाइन टूल लो। अब एकदम जब ये बॉक्स सा दिखे तभी क्लिक करके नीचे लेना। आप देखो पूरा काला हो गया, दोनों तरफ डॉट भी काला काला हो गया। अब इस आर्क को डिलीट करके यहाँ पर कुछ आ रहा है शायद, इसे कैंसिल करके इस आर्क को डिलीट करके, डिलीट करने के बाद फिर से मैं आर्क लूंगा। आप देखो पूरा एकदम ब्लैक होकर आएगा। ये देखो अब नीला नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैक आ रहा है, मतलब पूरा डायमेंशन एकदम क्लियर है। ओके तो अंदर का लाइन पूरा मैं कंप्लीट कर दिया। अब इसको सेंटर लाइन लेकर ये गोल भी ले लो। ओके ये नीला क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, सिर्फ डायमेंशन देना है, मतलब डायमेंशन तो दिया ही हुआ है, सिर्फ एंटर मारना है। इसको क्लिक करो, डायमेंशन पर क्लिक करो, वहां पर सिर्फ एंटर मारो। देखो 0.25 मेजर ऑटोमेटिक कर लिया, क्योंकि नीचे का जो गोल है उसको देख कर ही तो मैं वो पॉइंट बिठाया था। ओके इसे कैंसिल कर लो। उसके बाद फिर से एक रेक्टेंगल ले लो सेंटर पॉइंट वाला। ये देखो सेंटर पॉइंट वाला ले लिया। ओके अब कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद इसका डायमेंशन दो। डायमेंशन कितना दोगे ध्यान से देखो, यहाँ पर बाहर का रेडियस कितना था, बाहर का रेडियस 1 था, 1 माइनस वो बीच का रेडियस कितना था 0.875, उसका अगर मैं माइनस करूंगा तो जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.25 होगा। तो यहाँ पर मैं 6 माइनस 0.25 करूंगा तो इतना ही इसका डायमेंशन है। ओके और इस तरफ भी मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, कितना था डायमेंशन 2.25 माइनस 0.25। अब देखो हमारा डायमेंशन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमें वो फिलेट लेना होगा, फिलेट ले लो। इसका डायमेंशन जितना है दे दो, 0. जितना भी है दे दो यार, 0.875। ओके इधर भी अच्छा कंप्लीट हो गया है। ओके पूरी अब फिलेट देना, उसके बाद फिनिश स्केच करो। फिनिश स्केच करने के बाद इसको इस वाला ऑप्शन का दबाओ। अब देखो ऊपर जो पोर्शन तुम पैड करना चाहते हो उसको एक बार क्लिक करो। क्लिक करने से होगा यहाँ पर 0.875 माइनस उसके बाद ब्रैकेट 0.25, एक सेकंड पूरा कर दो यार, 0.75 कर दो, माइनस 0.75। अब देखो ये पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब वो अंदर का एक पोर्शन करना बाकी है, तो उस अंदर के प्लेन को क्लिक करो, उसके बाद स्केच दबाओ। स्केच दबाने के बाद वही सेम एकदम लाइन बाय लाइन बिठाते रहो। मैं एक रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ। ओके एक सेकेंड यहाँ तक ले लिया। ओके लेने के बाद मैं इसको थोड़ा यहाँ पकड़ के इस तरफ खींच लेता हूँ। ओके उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट देखो मैं कोइंसाइड कर रहा हूँ, इस पॉइंट और इस लाइन को कोइंसाइड कर दिया तो आपस में जुड़ गया। ओके उसके बाद मैं यहाँ पर फिलेट कर रहा हूँ। फिलेट करने के बाद मैं रेडियस दे रहा हूँ। ओके यहाँ पर मैं फिलेट करके उस अंदर का रेडियस को क्लिक कर लेना, वो समझ जाएगा सॉफ्टवेयर, बहुत ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का। ओके ऑटोमेटिक समझ लेता है। तो फिर जस्ट फिलेट क्लिक करके उस अंदर वाले आर्क को क्लिक करना, ऑटोमेटिक कोइंसाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ इसका दूरी दे दो, दूरी कितना था 0.875, दूरी दे दो। दूरी देने के बाद ये देखो नीला हुआ है, क्यों नीला हुआ है, इसका डायमेंशन नहीं दिया है। तो ऊपर वाले का डायमेंशन कितना था 0. अच्छा जितना भी था वही तुम नीचे भी दे दो। ओके एक सेकंड, इस पॉइंट और इस पॉइंट का दूरी कितना था, ऊपर वाले जितना उसका ही दे दो। हाँ 0.625 दे दिया। आप देखो पूरा ब्लैक हो गया। ब्लैक होने के बाद फिनिश स्केच, उसके बाद इस ऑप्शन को क्लिक करो। आप देखो ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो मैं इसका थिकनेस कितना दूंगा, 0.5 माइनस 0.25। ओके तो ये उड़ गया। उसके बाद हम यहाँ पर पैड में फिलेट करेंगे। इतने टाइम तक हम स्केच पर फिलेट कर रहे थे, अब हम पैड करने के बाद फिलेट करेंगे। देखो फिर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर थिकनेस मांग रहा है, 0.25 दे दिया। थिकनेस नहीं रेडियस मांग रहा था, जो भी हो। ओके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बात करते करते, कोई नहीं। ओके यहाँ का रेडियस जितना है वहाँ का भी मैं उतना ही दे दिया, क्योंकि मैनुअल पर अच्छी तरह से बोला नहीं गया, जो भी हो। उसके बाद फिर से इस पोर्शन पर मैंने स्केच किया और एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद कैंसिल करके सभी का डायमेंशन दे दो। इसका डायमेंशन कितना है, 1 था, 1 दे दो। 1 देने के बाद अगर पूरा 1 है तो सेंटर पॉइंट से कितना होगा,
एक लाइन मैंने क्लिक किया, एक सेकेंड, एक लाइन मैंने, देखो डायमंड से लेने के बाद एक लाइन मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं इसका मेजरमेंट सेंटर पॉइंट के साथ कितना होगा, आधा, पूरा एक है तो उसका आधा कितना है, 1/2 मतलब 0.5। ओके तो दे दिया, एकदम सेंटर में आ गया, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके अब हम फिनिश स्केच करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप देखो, अगर मैं इस एरो को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो न्यू, ये देखो यहाँ पर ज्वाइन दिखा रहा है। ओके पर अगर मैं इस एरो को नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर देखो कट ऑटोमेटिक से डिटेक्ट कर लिया। ओके तो मैं कितना कट करूंगा वही यहाँ पर देना होगा। ओके तो देखो मैं कितना देता हूँ, यहाँ पर पूरा कितना था। ओके एक सेकंड में मैनुअल को देख लेता हूँ एक बार, मैं पूरा जो कैलकुलेशन करूंगा ब्रैकेट के अंदर करूंगा। ओके 0.875, ओके 0.875 माइनस 0.25। ओके आप देखिए ऊपर की तरफ हो गया है, अब सामने एक माइनस लगा दो, अब देखो नीचे की तरफ हो गया है, अब ओके कर दो। ओके ये पूरा कट हो गया है। ओके यही तुम्हें करना था। ओके ये हमारा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको प्रिंट आउट करने का भी दिखा देता हूँ। हाँ तुम्हारे वो जो कोर्सेरा का जो असाइनमेंट वहां पर इतना ही सिर्फ चाहिए है, पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और जब तुम्हें उसे सेव करोगे ना, मोबाइल पर भी एक ऐप आता है फिशन 360 का, जब तुम स्टूडेंट वर्सन में सेव करोगे तो मोबाइल पे भी ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है। ओके मैंने मोबाइल यहाँ पर तुम एडिट कर सकते हो, जो भी हो कर सकते हो। और मैं ऑटो कैट को ए वाला ऑटो कैट बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये फिशन 360 को नहीं खरीदा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं अपना स्टूडेंट ईमेल आईडी से इसको अनलॉक किया हूँ। ओके मेरा एक साल के लिए अनलॉक हो चुका है और मैं वही से आपको दिखा रहा हूँ। और स्टूडेंट आईडी में क्या होता है, ये कंप्यूटर में सेव नहीं होता, जब तुम उसको सेव करोगे ये उसका सर्वर पर सेव हो जाता है। और सर्वर पर सेव होने से क्या होता है, तुम उसको मोबाइल पर भी देख सकते हो। और ये देखो मैं इस पर डिजाइन पर क्लिक किया, डिजाइन पर क्लिक करने से ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पर आईएसओ करो, यहाँ पर मिलीमीटर रखो, यहाँ पर A3 करके ओके मारो, तो देखो एक व्हाइट पेज आ जाएगा। ओके व्हाइट पेज आने के यहाँ पर एक बेस इमेज है, बेस इमेज पे हम यहाँ पर टॉप सब कुछ यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद हम इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी तरह से उसके एक्सप्लोर करो, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं ये वाला ऑप्शन दबाऊंगा। ओके यहाँ पर देखो मैं इधर इधर उसका सारा मतलब देख सकता हूँ। ओके उसको ये देखो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, एडजस्ट करने के बाद फिर से उसको डबल क्लिक करने से ये वाला ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ पर साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ओके इसको 20 कर दिया, सॉरी उसको 30 कर देता हूँ, ये देखो और भी बहुत बढ़ गया। ओके उसके बाद आप इसका ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, उसका व्यू चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद मैं फिर से एक बेस इमेज ले रहा हूँ और इसको ऐसे कर रहा हूँ। ओके करने के बाद उसको मैं ऐसे सेट दूंगा, सेट देने के बाद साइज बड़ा करूंगा, ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद इसका डायमेंशन कैसे देना, यहाँ पर डायमेंशन का ऑप्शन है, सिर्फ क्लिक करके ये देखो सिर्फ दोनों तरफ क्लिक करो, यहाँ पर इतना डायमेंशन 5 था और इसका डायमेंशन 1 था। ओके ऐसा करके करके डायमेंशन भी दे दो। ओके ये कोर्सेरा का कोर्स में नहीं है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ। ओके ये भी आपको जानना मैंडेटरी है आप अगर ये सीख रहे हो तो। ओके और इसका भी डायमेंशन मैं दे रहा हूँ, और अगर आपको रेडियस देना है तो आप रेडियस भी दे दो, जितना भी था अंदर का बाहर का बीच का। ओके तो ऐसे हम रेडियस भी दे रहे हैं, और अंदर का इस पोर्शन का तो मैनुअल पर था, आप देख देख पर पूरा कर लेना। ओके और उसके बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यही तक सीखने के लिए। ओके अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ओके अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप फिर से एक बार देख लो रिपीट करके। और यहाँ पर एक चीज ऑब्वियसली लिख लेना, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर, उसके बाद इसको एडजस्ट कर दो। वो जो ए लिखा है ना वो क्लिक करके मैंने लिखा है। ओके अब ये देखो एकदम सही तरह से आ रहा है, उसके बाद इसको प्रिंट करो, जो भी करो वो आपकी मर्जी। ओके और नीचे मैं पीडीएफ का लिंक भी दे रहा हूँ, आप देख लेना। और आज के लिए बाय बाय गाइज।